हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। दोस्तों, आप सभी को पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीजीएल 2019 के मार्क्स रिलीज हो गए हैं, तो कई सारे लोगों के स्कोर कार्ड्स वायरल हो गए हैं। तो हम ये देखेंगे कि लोगों के कितने मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से और कितने मार्क्स घटे हैं, और ये जो हाई कट ऑफ जो हम देख रहे थे इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम स्कोर कार्ड्स देखने वाले हैं कैंडिडेट्स के कि कितने कितने मार्क्स लोगों के बढ़े हैं या घटे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबल टॉपर का स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि जो प्रोबेबल टॉपर है उसका स्कोर कार्ड कैसा है और कितने मार्क्स उसके बड़े हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्कोर कार्ड हम देख रहे हैं वो है आपका, आप देख सकते हैं रोहित रोनित शाबोय, रोनित शाबोय का ये आपका स्कोर कार्ड है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इनके मार्क्स कितने बड़े हैं। तो इनके मार्क्स जो हैं 179 थे प्री में, और पेपर प्री में जो नॉर्मलाइज होकर इनका स्कोर हुआ था वो हुआ था 205, ठीक है, 205 स्कोर इनका हो गया था। तो और टीयर टू के मार्क्स जो हैं इनके 179 थे क्वांट में, जो कि बढ़कर 235 हो गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनका स्कोर 188 था, जो कि बढ़कर 194 हो गया है। आप एक चीज नोटिस करिए कि मैथ्स में जहां पर इनके 35 और प्लस 21, तो करीब आपका 56 नंबर बढ़ता है, यहां पर 56 मार्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर उतने मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि जो मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम रहा है तीनों ही तारीख में, 15, 16 और 18 को, लेकिन मैथ्स में जो एक बहुत ही ह्यूज गैप आ गया बिटवीन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ 15, 16 एंड 18, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा इंक्रीमेंट इन मार्क्स हो रहा है। जनरल स्टडीज इन्होंने इकोनॉमिक्स का पेपर भी दिया होगा तो उसमें 85 हैं, और टीयर थ्री में इनके 66 नंबर हैं। तो टीयर वन का स्कोर है 205, इसको मिला के इनका जो टोटल स्कोर बन रहा है वो 701 मार्क्स बन रहा है रोनित शाबोय का, ठीक है। तो इन्होंने अपना स्कोर कार्ड अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर किया है और अमिया सर को अपना क्रेडिट भी दिया है, उनके स्टूडेंट है। तो 701 नंबर इनके आए हैं, सो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर 701 हैं, शायद हो सकता है, अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा का मैंने स्कोर कार्ड नहीं देखा है, तो हो सकता है कि ये टॉपर हो हमारे सीजीएल 2019 के, प्रोबेबिलिटी है। अगर किसी के मार्क्स और ज्यादा हुए तो वो शायद इससे ज्यादा के भी मार्क्स वाला व्यक्ति दिखेगा आपको। अब जरा बात कर लेते हैं कि कितने अजब गजब स्कोर कार्ड्स आपको देखने को मिले। तो ये बच्चा है जिसके क्वांट में 56 मार्क्स थे और आपके ये नॉर्मलाइज होकर -482 हो गया है स्कोर, विच इज स्केरी। ये स्केरी है, ये बहुत डराने वाला है, ये डरावना है, मैं सच बताऊंगा। इसको देखकर अगर हम एक मूड से देखें तो मुझे देख के हमें हंसी भी आ सकती है, और दूसरे तरीके से देखें तो ये काफी दुखद है और काफी खतरनाक है कि एक बच्चा जो मैं कहता हूं ठीक है 56 भी कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बट -482, डज इट मेक एनी सेंस? फॉर मी इट डजंट, रियली आई एम स्पीकिंग दैट, कि -482 कोई भी सेंस नहीं करता है। आप, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी आपका तरीका है यू नीड टू चेंज दैट, क्योंकि -482 इज नॉट अ स्कोर विच शुड कम, नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जेई का एग्जाम नहीं है जहां बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं और माइनस में नंबर आते हैं, नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन है और बच्चे के 56 नंबर हैं रॉ में, तो -482 का कोई सेंस नहीं बनता है। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है, अब ये एसएससी को जानना है। दूसरा स्कोर देख लीजिए, इसका टीयर वन में 135 स्कोर था और वो नॉर्मलाइज होकर 156 हुआ है, विच वॉज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट था पढ़ने में, लेकिन अगर उसके टीयर वन में 135 थे और 135 से 156 हुए हैं तो ये ठीक ठाक लड़का था, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था जो कि एटलीस्ट फाइट कर सकता है। सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन की तो हम यहां बात ही नहीं करेंगे, फिलहाल सिर्फ बात इतनी है कि क्या वो फाइट में था, फाइट में था वो लड़का। अब देखो इंग्लिश में उसका, अगर वो इतना ही खराब लड़का था तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में उसके 185 नंबर थे और 187 नॉर्मलाइज होकर हुए हैं, तो यानी कि वो लड़का ठीक था, पढ़ने में ठीक था। लेकिन अगर आप क्वांट की बात करें तो रॉ स्कोर 126 और 126 से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में -130 नंबर आते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे इसका कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। मतलब 126 वाले लड़के को आप कैसे आंक सकते हैं कि वो, मैं कहता हूं अगर ये बच्चा 18 नवंबर का है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर ये बच्चा 15 या 16 नवंबर को पेपर देता तो -130 नंबर लाता? अगर वो 200 के 200 नंबर सवाल भी गलत करेगा ना,
तो 0.5 ही तो 100 के 100 सवाल गलत करेगा तो 0.5 की ही तो निगेटिव मार्किंग है आपकी है? तो -50 ही तो होता है अगर मैं तो सारे के सारे सवाल उसके गलत है, जो कि होगा नहीं अगर उसके 18 के तारीख में 126 नंबर है। तो -130 का कोई सेंस नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। और अगला कट ऑफ देखते हैं, अगला नीरज कुमार का है, ओबीसी कैंडिडेट है ये, 144 से इनका 181 हुआ, ठीक है, इसका मतलब लड़का अच्छा था पढ़ने में, ठीक है, इसका अच्छा स्कोर अच्छा हुआ है, 200 नंबर थे इनके, अब ये 200 नंबर अगर ये लेकर आए तब इनका 244 हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ये काफी अच्छी चीज है कि 181 के साथ में उसके हो जाते हैं, 181 नंबर लेकर आया टीयर वन में, उसके बाद 244 नॉर्मलाइज हुआ। देखिए मुझे किसी के 200 से 244 हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छी होना चाहिए क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत की है, उसको उसका फल जरूर मिलना चाहिए, लेकिन किसी के -400 आप कर दो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके हो जाते हैं 653, दिस इज अ गुड स्कोर एंड ही विल गेट अ गुड पोस्ट, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट है ऑब्वियसली ही विल गेट अ गुड स्कोर। तो 200 में से 244 आ जाते हैं, 172 से 176 नंबर इनके इंग्लिश में आ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगला देखते हैं हम रॉ स्कोर, यहां पर अगला देखिए आप, इस बच्चे के 70 नंबर थे क्वांट में और 70 से -414 इट ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस, ये भी कोई सेंस नहीं कर रहा है कि 70 से -414 उसके मार्क्स बन जाते हैं, और इंग्लिश में 91 से 99 ठीक है, मतलब मैं ये नहीं करूंगी कैंडिडेट बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी अगर आप उसके 70 से -414 कर देंगे तो मुझे उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि कितनी तैयारी करनी, -414 से उसे 200 और 250 नंबर लाने हैं। एनीवेज अगला कट ऑफ देखते हैं, इसके 151 नंबर थे और 151 से -3 हो गया है, ठीक है, ये भी काफी खतरनाक है, आई हैव नो वर्ड्स कितना मैं इस चीज को बोल सकता हूं। अगला देखिए, इस बच्चे की 158 थे, 158 से 170 हुआ और 142 से -46। अब आप ये देखिए, 158 नंबर अगर किसी के टीयर वन में आ रहे हैं इसका मतलब ही इज अ गुड गाय, 170 उसके अगर नॉर्मलाइज्ड आ रहे हैं इसका मतलब है कि ठीक लड़का है। इंग्लिश में 152 से 157 में, ये नहीं करो इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर इंग्लिश में 190 ही है, लेकिन 142 से -46 इट ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, इतनी भी उसने खराब मैथ्स नहीं लगा रखी होगी, भले अगर उसकी 18 को पेपर पढ़ा है तो उसकी गलती थोड़ी है, ये उसकी गलती नहीं है ना कि वो उसका पेपर 18 को पढ़ा है, 15-16 को पढ़ता तो शायद ये बच्चा सेलेक्ट हो जाता। और देखिए 136 से 157 टीयर वन में, यानी कि स्टूडेंट अच्छा है, 161 से 46, अब यहां पर खैर इतना खराब नहीं हुआ है कि माइनस में चला गया, लेकिन हाँ 46 स्कोर हुआ है, यहां 185 से 188, ठीक है। अगला देखिए, 136 इनका टीयर वन में रॉ स्कोर था, क्वांट में 152 नंबर लेकर आया ये बच्चा और इसके 1.27 ही हैं सिर्फ, ठीक है, तो 152 से 1.27 दिस इज ऑल्सो स्केरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी स्केरी, काफी स्केरी है कि 152 से 1.27 नंबर आते हैं किसी के, ठीक है। चलिए 142 से आपका इसका स्कोर हुआ है 202, यानी कि यहां पर कम से कम 58 नंबर, 58 नहीं, करीब करीब इसमें आपका 60 नंबर बढ़ा है, ठीक है, तो 202 एक अच्छा स्कोर है, ठीक। इसके अलावा अगला देखते हैं नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट, 123 से 149 ठीक था, यहां पे 130 से -110, मतलब कितना नंबर कम हो रहा है, 130 से -20, मतलब 130 तो गए ही गया, -20 और कम कर दिया है आपने। चलिए खैर और देखते हैं, 153 से 164 एंड यहाँ 194 स्कोर था, ये मेरी स्टूडेंट है, इसका 194 मैथ्स में था एंड शी स्कोर 214, ठीक है, दिस वाज गुड थिंग, इसका पेपर जो है 18 को था एंड इतना 18 वालों में जिसका स्कोर 190 प्लस है उसके मार्क्स बढ़े भी हैं, इंग्लिश में 177 से 180, अगर इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा कर लेते तो शी माइट हैव गॉट वेरी गुड पोस्ट, ठीक है, अभी EWS है एंड प्रोबेबली शी विल गेट सम पोस्ट। ये देखिए 122 से यहां पर 140 स्कोर था और 140 से -56, मतलब 140 स्कोर लाना खराब स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है किसी भी पेपर में, मैं कहता हूं लेकर आता है, उसको -56 देना इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसके अलावा क्यू मैथ्स के सर्वे से मैंने कुछ आपके पॉइंट्स उठाए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मैथ्स में जिनके 200 नॉर्मलाइज लाने के लिए शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर की आवश्यकता पड़ी, अगर 15 नवंबर को किसी के 127 नंबर थे तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर 200 है,
अगर 16 नवंबर को किसी का स्कोर 139 था तो उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 200 या 200 से ज्यादा है, और 18 नवंबर को जिसका रॉ स्कोर 192 था उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 200 या 200 से ज्यादा है। और ये बात बिल्कुल ठीक लगती है क्योंकि ये जो पेपर है मेरा, ये जो स्टूडेंट है इसका पेपर 18 नवंबर को ही था एंड शी स्कोर्ड 194 और उसका रॉ स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप अपने सामने देख सकते हैं। तो दिस इज क्वाइट वेरीफाइड, मतलब ये मुझे सही लग रहा है कि मैथ्स के सर्वे में ये चीज सामने आई है, निखिल गुप्ता ने डाला, आप देख सकते हैं। 15 नवंबर से 127, 16 नवंबर को 139, 18 नवंबर को 192 जिनके मार्क्स थे उनका स्कोर 200 बन गया है। और दूसरी चीज है मैथ्स में 100 नंबर जिनके रॉ लाने वाले पर शिफ्ट वाइज कितने नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना। तो अगर 15 नवंबर को तुम्हारा 100 नंबर आप रॉ लेकर आए हैं तो 182 नंबर बना, 16 नवंबर को जिनका 100 नंबर आया है उनका 170 बना, और 18 नवंबर को जिनका 100 नंबर आया है उनका -240 बना। और ये भी आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को इतने सारे स्कोर कार्ड दिखाए ही हैं, उसमें आप समझ ही सक गए होंगे कि कितना कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 200 में से किसी के अगर 200 में से किसी के 150 नंबर आए हैं तो उसको कई बार -8.85 मार्क्स तक दिए गए हैं। ठीक है, 200 में से 150 नंबर लाने वाले छात्र को, तो नॉर्मलाइजेशन मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। कई सारे बच्चों का सवाल है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी नहीं पता है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन उन्होंने किया है। जो दिक्कत है वो इनके फॉर्मूले में सिर्फ मुझे जितनी समझ में आती है वो ये है कि फॉर्मूले में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हम हर शिफ्ट में बराबर कैंडिडेट्स बैठाएंगे और हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम होगा। डिफिकल्टी लेवल में अगर आप वाइड गैप करोगे तो ये चीज़ें होंगी, और अगर शिफ्ट वाइज में बराबर बच्चे नहीं बैठाओगे तो ये चीज़ें होंगी। और ये बहुत दुखद है एंड आई डू नॉट नो कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग अनअकैडमी पर मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी पर मेरे चल रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मेरा रेफरल कोड है AMANT जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और डेली फ्री क्लास होती है शाम के 5 बजे, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉमेंट्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप मेरी इस चैनल पर डेली एक फ्रेजल वर्ब्स की क्लास हो रही है तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।